हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 17 जून। 17 जून से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा एक बार फिर से गाजा पट्टी पर हमला किया गया है, तो ये इसराइल के द्वारा किया गया है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफी टाइम से युद्ध चल रहा था और लास्ट मंथ ही युद्ध विराम हुआ था। काफी लोगों की जाने भी गई थी और बहुत सारी चीजें हुई थी वहां पर। लास्ट मंथ युद्ध को विराम हो गया था, लेकिन फिर से इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया है। अब इसराइल ने किया है तो इसराइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसराइल की कैपिटल है यरूशलम, और इसराइल के बारे में मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कुवैत के साथ भारत ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि हमारे देश के जो घरेलू काम वगैरह के लिए कुवैत जो लोग जाते हैं उनके लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे कि जो हमारे देश से वहाँ काम करने के लिए लोग जाते हैं उनकी सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखा जाए और उन्हें इस समझौते के तहत उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा और 24 घंटे उन्हें अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनकी पूरी मदद करेगी। कुवैत ने के साथ समझौता किया, तो कुवैत की बात कर लेते हैं। तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और वहाँ की करेंसी है कुवैत दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का मीन जो ये है कि जो सबसे ज्यादा दान किस देश के द्वारा किया गया है, तो इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। अब ये बात आती है कि ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की कौन जारी करता है, तो ये चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें 114 देशों में को स्थान प्राप्त होता है, जिसमें से पहले नंबर पर इंडोनेशिया है। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत 14वें नंबर पर है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। अब इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा है, तो इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी इंडोनेशियाई रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। तो महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन केन्या में किया गया है। केन्या का जो नैरोबी विश्वविद्यालय है, नैरोबी यूनिवर्सिटी है, वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। केन्या में किया गया है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है। तो देखिए, ये जो ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी गई है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई है, क्योंकि अभी उड़ीसा में कांस्टेबल SI वगैरह की वैकेंसीज निकली हुई है, तो वहां पे ट्रांसजेंडर भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। उड़ीसा सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, इससे ट्रांसजेंडरों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और देखा जाएगा। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और वहां के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ को लैंगिक समानता के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए, अब ये लैंगिक समानता वाला जो सतत लक्ष्य विकास लक्ष्य है, नीति आयोग के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। नीति आयोग राज्यों की जब ये लिस्ट जारी करती है तो उसमें छत्तीसगढ़ ने शीर्ष पर रहा है। अब नीति आयोग ने जारी की है इस लिस्ट को, तो इसने घोषणा ये की है कि ये जो सूचकांक है, जो ये लिस्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के द्वारा मिलकर ये के सहयोग से ये लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर आया है और बिहार लास्ट में रहा है। राजधानी की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और CM है वहां के
भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो 2021 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ब्रुसेल्स में ये आयोजन किया गया है 2021 नाटो का। अब ब्रुसेल्स में किया गया है तो ब्रुसेल्स है का, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और बेल्जियम की राजधानी है। नाटो का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगा उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में है नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन है, तो नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच है। नाटो के सदस्य देश कितने हैं, नाटो के सदस्य देश 30 हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 1949 में। आज के लिए इतने क्वेश्चंस ही काफी हैं, हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि जिससे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो देख सकें। और हाँ, आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम से जुड़ने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।